रिको के प्रतिवेदन पर जो सदन में बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति जी, मैं जिस पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से आता हूँ, वो राजस्थान की एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है और रिको के वहाँ पर और उसके नज़दीक काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया पिछले कई सालों में डेवलप हुए हैं, परंतु जैसा कि आदरणीय यूनुस खान जी ने, गर्ग साहब ने और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक बात रखी कि रिको का, क्योंकि एक उसका काम था रिको को इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का, पर उसका अपना मूल काम से वो रिको भटक गया और उसको एक लैंड डेवलपर के रूप में सरकार पिछली सभी सरकारों ने एक लैंड डेवलपर के रूप में उसको विकसित किया, क्योंकि उद्योगों के लिए सस्ती ज़मीन की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी लागत उद्योग की कम हो सके और उद्योग अच्छी तरह मुनाफे में चल सके। परंतु उस सस्ती ज़मीन की जगह रिको खुद एक बिजनेस डेवलपर बन गया, प्रॉपर्टी डेवलपर बन गया और सस्ती ज़मीन खरीदकर महंगी ज़मीन बेचने का उनका एक बिजनेस बन गया और आज की तारीख में रिको पूर्ण तरह इसी काम में लगा हुआ है। और हमारे जोधपुर, जैसा कि अभी पूर्व विधायक ने बताया था कि 15 गुना दामों तक भी ज़मीन बिक रही है, तो जो जिस उद्देश्य से के लिए रिको को बनाया गया था, रिको अपने उस उद्देश्य से भटक गया। दूसरा, जब रिको ने कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बसाया तो जैसा कि गर्ग साहब ने बताया कि उसका एक डेवलपमेंट प्लान, उसका भी एक मास्टर प्लान होना चाहिए था, उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्था है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं इनके हाउसिंग की व्यवस्था हो, पर एक भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे उधर ऐसा नहीं है जहाँ व्यवस्थित रूप से इस तरह का काम हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ पश्चिमी राजस्थान के सभी जो इंडस्ट्रियल रिको द्वारा बसाए गए एरिया उनके अंदर कि उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले जो कॉलोनी भी है और जो इंडस्ट्रियल कॉलोनी भी है और जो मजदूरों की कॉलोनी बनी हुई है उनके सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और वो पूरा सीवरेज का पानी जो है, वो जो प्रदूषित पानी उद्योगों से निकलता है वो उसके अंदर चला जाता है और जब वो सीवरेज और वो ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है तो वो सारा उसको औद्योगिक पानी समझकर, उसको डिस्चार्ज समझकर वो उद्योग के ऊपर और उद्योग जो लगे हुए हैं उनके ऊपर शंका की दृष्टि से देखते हैं कि उनका वाटर का डिस्चार्ज बढ़ गया, जबकि वो वाटर का डिस्चार्ज जो है वो जो लोग रह रहे हैं उनके घरों का और उस क्षेत्र में जो अनऔद्योगिक इकाइयाँ और घर बार हैं उनका होता है। तो उस बार भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण विभाग की है और वहाँ हमेशा आए दिन पाली में, बालोतरा में, जोधपुर में इंडस्ट्री चालू होती है, बंद होती है, प्रदूषण विभाग के वाटर डिस्चार्ज की हमेशा चेकिंग होती रहती है, परंतु इस और ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, रिको अच्छे दाम लेकर अपने प्लांट काटकर औद्योगिक राजस्थान राज्य को बसा दिए, पर उन औद्योगिक एरिया को बसाने के बाद में उन एरिया का कभी साथ संभाल नहीं करती है। और हमेशा जब भी हमारे जोधपुर में कलेक्टर के माध्यम से मीटिंग होती है तो नगर निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और रिको, ये चारों का झगड़ा होता रहता है और इन रिको के अलावा तीनों विभाग कहते हैं कि साहब इस विभाग का, रिको का एरिया का डेवलपमेंट चार्जेस तो रिको वसूल करती है, और जब वहाँ सैर सफाई की व्यवस्था की बात हो, रोड की हो, सीवरेज की हो, पानी की हो, बिजली की हो, जो रोड की है वो पैसा पूरा नगर निगम या जेडीए के द्वारा दिया जाता है और रिको उसमें जब भी बात करते हैं तो 99%, मैंने भी अभी 7 महीने में ऐसी मीटिंग अटेंड की है, वो अनुपस्थिति रहता, आते ही नहीं है वहाँ पर और वो कोई भी रूप में अपनी जो उनकी जिम्मेवारी है उनको निर्वाह करने में वो अक्षम है और उन्होंने की नहीं, इसकी ओर भी संज्ञान लिया जाए। तीसरा, जब रिको ने इंडस्ट्रियल जोन के हिसाब से प्लॉट काटे तो जो प्रदूषित प्राणी है उसके लिए जो सीईपीटी के और जो बात हो रही है उसकी भी व्यवस्था, जब रिको 1000 रुपये अगर गज में लिया हुआ प्लॉट आज 10,000, 20,000, 15,000 में बेच रही है, तो जो सीईपीटी प्लांट लग रहे हैं उनके अंदर भी रिको को पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉनेटरी फंड टर्म में उनको भी, क्योंकि जब प्लॉट काटे उन्होंने रिको की औद्योगिक बस्ती बसाई उनने, तो उसमें वापस सीपीटी और जो भी, चूंकि सरकार का ही काम है, भले ही विभाग अलग अलग हो, पर उसमें भी रिको का जो योगदान है आर्थिक रूप से होना चाहिए, इसकी भी मैं एक आपसे, सरकार के आपके माध्यम से सुझाव देता हूँ। दूसरा, चूँकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री औद्योगिकरण के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि वो बचपन से सुनते हैं उद्योग से उत्पादन और उत्पादन से रोजगार, और रोजगार की आज बहुत ज़्यादा महत्व है। और आज राजस्थान का लक्ष्य अगले 5 साल में 0.5 बिलियन की इकोनॉमी का, ट्रिलियन की इकोनॉमी का, और 10 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। हम उसको कैसे प्राप्त करें? उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश या किसी राज्य या किसी शहर की इकोनॉमी में इतनी वृद्धि कर सकता है। दूसरा, रिको के अंदर जो क्लस्टर वाला हिसाब है जो हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर हो रहा है, तो नए जो औद्योगिक क्षेत्र बसाए जा रहे हैं उनमें क्लस्टर बनाकर अगर कुछ विशेष प्रोडक्ट जो उस एरिया के हो उनके माध्यम से किया जाएगा तो वो और उद्योग के लिए अच्छा होगा। एक और बात के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जोधपुर संभाग में एम्स जो है वो सबसे बड़ा चिकित्सा का केंद्र अब बन चुका है। लगभग 5,500 आउटडोर पेशेंट और लगभग 12 से 13,000 टोटल पेशेंट और उनके परिजनों का आवागमन एम्स के अंदर होता है रोज के दिन। और एम्स पूरी तरह से तीनों ओर से उद्योगों के और रिको के इंडस्ट्रियल जोन से घिरा हुआ है। और कई बार एम्स की मीटिंग के अंदर ये सामने आया है कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और जिस तरह से एम्स के अंदर फुटफॉल हुआ है उसके अंदर वहाँ के जो सामने के उद्योग है उनको वहाँ से हटाकर और कई स्थानांतरित किए जाएँ। हम लोगों ने वहाँ पर उद्योगों से और उद्योग संगठनों से मीटिंग भी की थी। वो सारे संगठन वहाँ से अपने उद्योग वहाँ से स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक है, पर उनका सबका डर है कि हम यहाँ से अगर हम हमारा उद्योग और कहीं स्थानांतरित करेंगे वहाँ ज़मीन तो खरीद लेंगे, पर जो ये ज़मीन है इसका लैंड यूज़ जो है वो इस झगड़े में फंस जाएगा कि इस लैंड का कोई और यूज़ नहीं हो पाएगा। और सरकार को मैं आपके माध्यम से ये सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी विषय है और जो एम्स इस दिशा में काम कर रहा है वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। तो इसका संज्ञान लेते हुए एम्स के नज़दीक में जो रिको के क्षेत्र आए हुए हैं उनमें अगर उद्योग ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके लैंड यूज में बदलाव की कोई एक नियम बना के, कोई एक सिस्टम बना के उसको अगर सिस्टम से किया जाएगा तो उसमें भी काफ़ी लोगों का फायदा होगा। और अंत में, चूँकि उद्योग जो है वो भविष्य की संभावनाओं पर चलता है और उद्योगपति एक साहसी आदमी होता है जो अपनी रिस्क पर अपने पूरे घर-बार को और अपने पूरे ज़िंदगी को दांव लगाकर उद्योग लगाता है। वो बैंकों से लोन लेता है, परिवारजन से लोन लेता है और उस उद्योग का संचालन करता है। पर उद्योग में आगे आने वाले ऐसे संकटों का सामना करने के लिए उतनी दूरदृष्टि और इतने साधन नहीं होते हैं जिससे वो उस उद्योग को लंबे समय तक चला पाए। तो मैं जो रिको इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र का संचालन करती है तो CSR में उनको एक ऐसा सेंटर खोलना चाहिए जो आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में रिसर्च करे और उद्योगपतियों को उसकी जानकारी दे। मैं समझता हूँ कि मैंने जितना कहा आप सब ने, अगर आप ठीक लगे तो आप भी अपने माध्यम से इस बात को आगे करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।